Hey guys, welcome back to new vlog. तो guys आप देख रहे हैं गौरव गुप्ता व्लॉग्स और मैं हूँ गौरव. तो guys आज हम जा रहे हैं नॉर्थ कैंपस दिल्ली के. तो फाइनली जो प्रॉब्लम है, ये जो मेरे दोस्त यार यार कोई जा नहीं रहा साथ में, मुझे अकेले जाना पड़ेगा. और एक प्रॉब्लम आई है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो वहीं जाके सॉल्यूशन और प्रॉब्लम वहीं जाके बताएंगे. चलो बाय ब्रो, जा रहा हूँ. दुआ में याद रखना. मेट्रो स्टेशन पे आ गए तो चले दो. मेट्रो भी आ गई है, वो आ रही मेट्रो. चलो चलते बैठते हैं मेट्रो में, है ना. तो गाइस अब हम आ गए हैं मेट्रो में और अब मेट्रो देख सकते हो पूरी खाली खाली है. तो यहीं से स्टार्ट होगी शिवहार स्टेशन से और आगे तक चलेंगे हम. चलो बैठते हैं. कहीं देखो गाइस वो ट्रेन जाती हुई मेट्रो उधर वाली लाइन. तो गाइस अभी हम लोग वेलकम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से चेंज होगा रेड लाइन के लिए. तो रेड लाइन से हम जाएंगे कश्मीरी गेट. तो चलते हैं अभी हम. और हमें जाना है रिठाला की ओर और इस तरफ जाती है शहीद नगर की ओर और इस तरफ जाती है रिठाला की ओर. तो बाकी और यहाँ स्टेशन पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, देख सकते हो देखो पीछे, है ना. तो अभी हम मेट्रो आएगी और हम चलेंगे आगे. और इधर मेट्रो आ रही है, इसी मेट्रो से चलेंगे अभी हम. ये दो मिनट रुकी, एक मिनट रुकी, बस एक मिनट में चलेंगे. भीड़ देखो गाइस कितनी पब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन जाती है, एक येलो लाइन और एक वायलेट लाइन. तो गाइस हमें येलो लाइन जाना है पहले, हम यहाँ से जल्दी पहुँचेंगे. और यहाँ पे एक्सेलरेट लगे हुए हैं, देखो पब्लिक सब आती जाती है एक्सेलरेट से. तो जैसे मैं जा रहा हूँ उस तरह से आप भी जा सकते हैं, टॉयलेट लाइन की ओर जाएं और उसके बाद मेरे बात गाइस यहाँ से येलो लाइन की ओर जा सकते हैं. ओके, और यहाँ से सीधा टर्न ले लेना, लेफ्ट टर्न और जाओगे येलो लाइन. मैं जाना समयपुर बादली की ओर और एक जाते हैं होंडा सिटी और की ओर, होंडा सिटी सेंटर. तो हमें समयपुर बादली जाना है और ये खड़ी मेट्रो मेट्रो जा रही है और हम इसे का दिया करेंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं. तो यार गाइस यहाँ पे जैसे कोई मेट्रो आती है ना तो हवा बिल्कुल तेज आती है, बिल्कुल भर के और एकदम मस्त फील आती है. तो अभी देखो अभी कोई दोबारा मेट्रो आएगी यहाँ से, अभी देखना हवा, देखना कितनी तेज लगेगी मेरे बालों पे, बाल सारे उड़ने लगेंगे. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you.
खैर चलते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। तो गाइस जो मेरा ट्रैक सूट था मैंने उतार के अपने बैग रख दिया अभी, और ये देखो ये है अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है दिल्ली की। बाकी मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ और बाकी मुझे यहीं तक आना था विश्वविद्यालय तक। तो अभी हम एक्सेलरेट करते चल रहे ऊपर। तो गाइस मेरा खर्च हुआ है 3300 रुपये और सीधा शिपयार्ड से विश्वविद्यालय सब 3300 रुपये का चलेंगे बात। तो यहाँ से भी एक्सेलरेट पर चलेंगे और बाहर निकलेंगे। विद्यालय ऑन रोड चलते। तो गाइस सीधा मैं आ चुका हूँ SOL बिल्डिंग के अंदर और बाकी देखो यहाँ पे पीछे गार्डन ये बिल्डिंग है SOL की। सेकंड फ्लोर पे हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ से देखो साइड में दिल्ली रेगुलर वालों का ऑफिस है जिसमें आप बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफिस और मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफिस रूम 2 नंबर में। चलो चलो तो ये है प्रिंसिपल ऑफिस क्लीन है साफ। तो यहाँ देखो गाइस कैसे मस्त मस्त पौधे वौधे लगा रखे हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। ये पता नहीं क्या लगा रखा है ये आपको सैनिटाइज करने के लिए लगा रखा है मस्त है बिल्कुल यार। तो गाइस जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो हो चुका है बाकी चलते घर। तो ये है फ्रंट गेट SOL का। तो फिलहाल गाइज अब हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन की ओर और बाकी देख सकते हो यहीं बराबर में ही लड़कियों का हॉस्टल है। तो गाइज आप ये देख पा रहे बिल्डिंग ये किस चीज़ की है दिल्ली विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टेडियम। चलो इससे यहाँ पे एंट्री की बात करके आते हैं एक बार। गाइस आप देख सकते हो अंदर ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक्टिविटी के लिए बाकी और कुछ कर नहीं सकते। ये इलाका है यहाँ बस गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं ऑफिसर्स की यहाँ बस यूनिवर्सिटी वाले रहते हैं विश्वविद्यालय में जितने भी हालांकि जितने भी कर्मचारी सब रहते हैं यहाँ पे। हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन की तरफ दिल्ली मेट्रो स्टेशन इस तरफ है चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं बाकी यहाँ पर बैग डाल देता हूँ। हम मेट्रो के अंदर घुसते ही खाने पीने को खाना मिलेगा और हवा आती हुई मिलेगी। ये है सोच ईमानदार काम ईमानदार योगी सरकार। अब हम लोग जाएंगे होंडा सिटी सेंटर की ओर। तो गाइस जैसे हम आए थे जिस रूट से वैसे इसी रूट से हम जाएंगे बाकी हम एक्सेलरेट वेट कर रहे थे। और यहाँ पे खाने पीने के लिए KFC भी रेडी एवरी थोड़ी मेट्रो खाली पड़ी है चलने का तैयार है बस।
साउंड भी नहीं कर रहा था। गाइस दिस टाइम हम अब है पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन पे और वेलकम मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम जाएंगे शिवबिहार और शिवबिहार से अपने घर। बहुत इजी है भाई, जब से पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन बनी है जब से बहुत इजी हो चुका है। हमसे हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक में दिल्ली मेट्रो बहुत बढ़िया। बाकी हम लोग चलते हैं। बाकी एक सवाल है आपके लिए मेरी तरफ से, अभी बताता हूँ मैं, पहले मेट्रो बैठ जाता हूँ शांति से। तो भाई सवाल ये था, 1/2 और 1/3 कितने होते हैं, जिसको आता हो सवाल का आंसर वो कमेंट सेक्शन में जाके बताना जिसको भी आता हो। बाकी अभी जल्दी हम घर पहुँचने वाले हैं, अभी घर नहीं जाएंगे, घर जाने में टाइम है अभी, और कहीं चलेंगे। तो गाइस ये सवाल जो था जो मेरे सर ने एडमिशन लिए थे, मुझे पूछा था क्या इसका जवाब बताओ। गाइस आपने कभी भी मेट्रो में सफ़र किया है तो आपने नोटिस किया होगा एक फील आती है, जो चलने की फील होती है वो बैटरी रिक्शे में भी ऐसी सेम टू सेम आती थी। देखा होगा आपने, खैर वाकई हमारा लास्ट स्टेशन आ गया और हम चलते घर। देखो कितने लोग एक ही बार में आते हैं, शाम का टाइम है और सब अभी अपने काम से आ रहे हैं। देखो तो भीड़ देखो यार, तो यहाँ से हम लोग बाहर तो आ गए हैं, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पे ढेर सारे ऑटो वोटो खड़े हैं देख सकते हो, और यहाँ से हम ऑटो पकड़ेंगे। 10 रुपये लेगा किराया हुआ हमारे घर तक का, मेन रोड तक जहाँ तक हमारा घर है।